नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं पूर्वांचल बुलेटिन। पाकिस्तान में कुलभूषण यादव को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद भारत में इसका विरोध अब तूल पकड़ता जा रहा है और कुलभूषण यादव की रिहाई के लिए जगह जगह पर प्रदर्शन लगातार किए जा रहे हैं, तो वहीं पाकिस्तान का पुतला फूंका जा रहा है। इसी क्रम में आज मऊ में भी अधिवक्ताओं ने कुलभूषण यादव की रिहाई के लिए दीवानी कचहरी में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का पुतला फूंककर सिटी मजिस्ट्रेट को पत्रक के माध्यम से भारत सरकार से रिहाई की मांग की है। पाकिस्तान में कुलभूषण यादव को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद से भारत में इनका विरोध अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है और कुलभूषण यादव की रिहाई के लिए जगह जगह पर प्रदर्शन लगातार किए जा रहे हैं, तो वहीं कहीं पाकिस्तान का पुतला भी फूंका जा रहा है। इसी क्रम में आज मऊ में भी अधिवक्ताओं ने कुलभूषण यादव की रिहाई के लिए दीवानी कचहरी में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का पुतला फूंककर सिटी मजिस्ट्रेट को पत्रक के माध्यम से भारत सरकार से रिहाई की मांग की है। दरअसल कुलभूषण यादव नेवी में कमांडेंट थे, लेकिन किसी कारणवश से सीमा के उल्लंघन में पाकिस्तान चले गए, जिसके बाद पाकिस्तान की सेना ने उनको पकड़कर जासूसी की कैद में बंद कर दिया और उनको फांसी की सजा सुना दी गई, जिसके बाद से ही पूरे भारत में कुलभूषण यादव की रिहाई के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन किए जाने लगे हैं। इसी क्रम में आज मऊ में भी अधिवक्ताओं ने दीवानी कचहरी में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया और कुलभूषण यादव की रिहाई के लिए सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा पत्र देकर भारत सरकार से उनके रिहाई की मांग की है। देखिए ये रिपोर्ट। ये जो है हमारे यहाँ एक भारतीय सैनिक जो है वो कुलभूषण यादव, जो सेना में संबोधन नेवी में सार्जेंट रहे हैं और कमांडेंट थे, और वो किसी तरह से दुर्भाग्यवश किसी हमारे अपनी सीमा का उल्लंघन हो गया, उसमें उन्होंने उसको पाकिस्तान की सेना ने पकड़ लिया और उसको गलत तरीके से गलत कानून की व्याख्या करके और उस हमारे सैनिक को जो है पाकिस्तान की कोर्ट द्वारा जो है फांसी दे दी गई है, जिसके विरोध में पूरी बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पे हम अधिवक्ता समाज के द्वारा जो है उसका हम घोर विरोध करते हैं और उसको रिहा करने की हम मांग करते हैं। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग जो आज है जो इसको आंदोलन हम लोग किए हैं और पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता है आज हम लोग ने नवाज शरीफ और पाकिस्तान का हम लोग ने पुतला फूंका है। हम लोग जो है यह पुतला जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का हम लोग ने आज पुतला फूंका है बार काउंसिल के आह्वान इसके विरोध में। यह जो है कुलभूषण यादव को जो विधिवत तरीके से उनके ऊपर जो है सजा उनको करके और फांसी की सजा दे दी गई है, जिसके विरोध में जो है बार काउंसिल के आह्वान पर आज हम लोग पूरे दिन न्यायकार से विरत हैं और उसके विरोध स्वरूप जो है हम उनका पुतला फूंककर अपना विरोध प्रकट आपकी भावनाओं के रूप में प्राप्त मांग पत्र यथास्थान से जो प्रेषित कर दिए गए। नेक्स्ट नाइन न्यूज रूम के लिए मऊ से सुशील सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में जहां लगातार शराबबंदी को लेकर महिलाएं उग्र बनी हुई हैं, वहीं सिद्धार्थनगर जिले में भी लगातार शराब की दुकानों का विरोध हो रहा है। डुमरियागंज तहसील के शाहपुर के देसी शराब की दुकान का विरोध करने के लिए सैकड़ों महिलाओं के साथ सभासद ने भी दुकान पर पहुंचकर शराब की दुकान खुलने को लेकर विरोध करने लगे।
उत्तर प्रदेश में जहां लगातार शराबबंदी को लेकर महिलाएं उग्र बनी हुई हैं, तो वहीं सिद्धार्थनगर जिले में भी लगातार शराब की दुकानों का विरोध हो रहा है। डुमरियागंज तहसील के शाहपुर के देशी शराब की दुकान का विरोध करने के लिए सैकड़ों महिलाओं के साथ सभासद ने भी दुकान पर पहुंचकर शराब की दुकान का विरोध करने लगे। यहां विरोध करने आई महिलाओं के हाथों में लाठी डंडे दिखाई दिए। हालांकि विरोध करने आता देख दुकानदार पहले ही दुकान को बंद कर भाग चुके थे। ये लोग इस देशी शराब की दुकान को कहीं और खोले जाने की मांग कर रहे थे। घंटों शराब की दुकान पर ये लोग नारेबाजी कर शराब की दुकान का विरोध करते रहे, लेकिन मौके पर जब जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों का घंटों तक पता नहीं चला, काफी देर बाद शराब की दुकान का विरोध कर रहे लोग पैदल ही उप जिलाधिकारी के कार्यालय के लिए चल दिए और उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर शराब की दुकान को आबादी से दूर खोले जाने की मांग की। विरोध करने वाली महिलाओं का कहना है कि इससे उनके घर के लोग बिगड़ रहे हैं, काफी दुष्प्रभाव पड़ रहा है। अगर गांव में ही शराब मिलेगा तो और भी परिवार बर्बाद होने लगेंगे। इन महिलाओं की जिद है कि किसी भी कीमत पर ये शराब की दुकान नहीं चलने देंगी। हमारा प्रदर्शन है यहाँ का शराब भट्टी हम लोगों के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे बहन बेटियों के लिए बहुत परेशानी है। दो गांव के महिलाएं निकलती हैं, बाहर भी तो निकलती हैं। पीछे काली माँ का मंदिर है, हम लोग के पूजा पाठ करने में बहुत ज्यादा आती है। पी पी करके शाम सुबह सब कुछ बर्बाद करते, बहन बेटियों को अच्छा बुरा बोलते हैं और हमारे घर के आदमी और हमारे बच्चे बर्बाद होते जा रहे हैं। आज बच्चे, आज बाप पी रहा, कल बेटा पिएगा, हम लोग का बर्बाद हो जाएंगे। हम लोग का घर द्वार नहीं रहेगा, गहना गुड़िया नहीं रहेगा, खाना बनाने का बर्तन तक नहीं बचेगा। हम लोग कैसे जिएंगे, हम लोग कैसे रहेंगे बताइए। यहाँ का भट्टी हम लोग का यही है कि यहाँ का भट्टी हट जाना चाहिए, किसी भी हालत में यहाँ भट्टी नहीं चलना चाहिए। हमारा यही आदेश है बस, हम लोग का यही, नहीं तो हम लोग ऐसे ही करेंगे, रोज आना ऐसे करेंगे, खाना पानी बंद रहेगा। हाँ, नमाज नहीं पढ़ पाते, हमारे बगल में घर है, ये पैकेदार हो, ईटा पत्थर सब लोग बहा था जायकर, अब नमाजो नहीं पढ़े दिया था, बिटिया बौड़ी सूती रात वो का ईटा पत्थर बहा था पी पी का। भट्टी जो है वहाँ चौराहे से थी, खुल के यहाँ आ गई है। यहाँ पूरे गांव का यही रोड है, औरतें बाहर भीतर निकलती हैं, आती हैं जाती हैं, दारू पीने वाले यहाँ सब जो है हुड़दंग करते हैं, छेड़खानी करते हैं। यहाँ ग्राम समाज में पूरा गांव के बीच में है, पीछे मंदिर है, आगे मस्जिद है, स्कूल है, यहाँ से भट्टी हटना चाहिए। अब सरकार जो चाहेगी, हम लोगों ने एप्लीकेशन डीएम साहब को दिया है, डीओ साहब को दिया है, सरकार जो जैसा चाहेगी वैसा। यहाँ का काम खत्म हो गया, बोली नेक्स्ट नाइन न्यूज रूम के लिए सिद्धार्थनगर से धर्मवीर गुप्ता की रिपोर्ट। मऊ जिले की परदा काटन मिल फिर से चालू होगी, जिसका सीएम योगी ने ऐलान कर दिया है। जिला अधिकारी निखिल चंद शुक्ला ने मिल का मुआवजा कर चुके हैं। बता दें 66 करोड़ रुपए के घाटे में यह मिल 2015 में बंद हो गई थी, जिसमें करीब 3000 परमानेंट कर्मचारी काम करते थे। इसके अलावा कुछ हजारों गैर परमानेंट कर्मचारी काम करते थे। देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। मऊ जिले के परदाह काटन मिल फिर से चालू होगी, जिसका सीएम योगी ने ऐलान कर दिया है। जिलाधिकारी निखिल चंद शुक्ला ने मिल का मुआवजा कर चुके हैं। बता दें 66 करोड़ रुपए के घाटे में यह मिल 2015 में बंद हो गई थी, जिसमें तकरीबन 3000 परमानेंट कर्मचारी काम करते थे। इसके अलावा कुछ हजारों गैर परमानेंट कर्मचारी काम करते थे, लेकिन मिल के बंद होने से लोग बेरोजगार हो गए थे। पूर्ववर्ती सरकारी ने रोजगार देने का दावा करती रही, लेकिन रोजगार कहाँ मिला यह तो पता ही नहीं। लेकिन बेरोजगारों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही है। चुनाव से पहले बीजेपी ने सूबे के युवाओं से रोजगार देने का वादा किया था, जिसकी प्रदेश में योगी की सरकार बनते ही मऊ जिले की परदाह काटन मिल को चालू करने का फैसला लिया है, जिसके जिले में चहुं ओर सराहना हो रही है। बता दें कि अगर ये मिल चालू होती है तो हजारों बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथ ही मऊ जनपद बुनकर बाहुल इलाका है, जहां पर बुनकरी का काम होता है। जो बुनकर बाहर के दूसरे राज्यों से धागा मंगाकर बुनाई का काम करते हैं, उनके यहां से सस्ते दामों पर धागा मिलेगा और बुनाई का विकास होगा। इससे जो माल बाहर से आता है उसका ट्रांसपोर्ट खर्च कम होगा, बुनकर को नजदीक सामान मिलेगा और मुनाफा कहीं न कहीं ज्यादा होगा।
मिल को चालू होने की बात पर स्थानीय सांसद से बातचीत के दौरान कहा कि हमने अपने 5 विधानसभा क्षेत्रों में स्थित मिलों को चालू करवाने का लगातार प्रयास करते रहे हैं, जिसका नतीजा रहा है कि प्रदेश में सरकार बनते ही मिल को चालू करने का काम किया जा रहा है। हालांकि इस मामले में कहा कि उन्होंने सरकार को सुझाव भी दिया था, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की बात हो रही है, लेकिन जो बंद पड़ी मिलें हैं और अगर उन्हीं को चालू कर दिया जाए तो हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा और लोग खुशहाल होंगे। आगे कहा कि हमारी बात कपड़ा मंत्रालय में स्मृति ईरानी से हुई है, इसकी शुरुआत हो हम जिले से ही करेंगे, इसके लिए 200 करोड़ रुपए रखा गया है। जिले में 2 कार्टन मिलें हैं, एक की केंद्र सरकार के द्वारा संचालित होती है तो दूसरी राज्य सरकार के द्वारा संचालित होती है, जिसके लिए अब काम शुरू हो चुका है। क्या मंशा रही है? जब से 2014 से केंद्र सरकार बनी तो मैंने जो भी संबंधित विभाग का मंत्री था, मैंने चारों मिलों को हमेशा सवाल उठाते रहे, जैसे एक ये प्रधा मिल है, स्वदेशी कार्टन्स मिल है, रसड़ा का चीनी मिल है, फिर रसड़ा में जो कार्टन मिल है, सूती मिल है, और ऐसी नहीं एक यहाँ गाजीपुर में भी है, मैंने बड़ौरा को भी लिखा पढ़ी शुरू किया, बाकी विशेष हम अपने ही चारों मिलों को दबाव बनाते रहे। मिल में वर्षों से बंद होने के बाद गेट पर सुपरवाइजर की नौकरी करने वाले अशोक सिंह कहते हैं कि मिल चालू होगी तो उन्हें बेहद खुशी होगी, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा और लोग खुशहाल होंगे। तो हो गई है यहाँ पे, अब फिर से दोबारा रौनक बढ़ेगी तो क्या? बहुत अच्छी चीज है सर, बहुत अच्छी। हम चाह रहे हैं हमें यहाँ के सुपरवाइजर होते हुए भी कि ये मिल चालू हो जाए, अब बहुत ही खुशी की बात है। मजदूरों के घर मजदूरों का बहुत भाग्य फैले, हमारे छोटे भाई हैं उनकी भी भाग्य उज्जवल। क्या नाम है? अशोक कुमार सिंह सर। थैंक यू अशोक। मिल चालू होने की सूचना पर स्थानीय लोगों में खूब खुशी है, क्योंकि इससे रोजगार के नए साधन सृजित होने वाले है। तो यहाँ प्रधान कार्टन मिल के नाम पर स्वदेशी कार्टन मिल के नाम पर कमेटी बनी है, उस कमेटी ने मजदूरों की लड़ाई तो लड़ी, लेकिन उस लड़ाई में उन मजदूरों का शोषण हुआ। अब मिल का भी जो धन का जो दुरुपयोग किया गया और उसमें ये मिल बंद पड़ी, तो बहुत कमियां हैं, अभी तो जांच का विषय है, काफ़ी कमियां हैं और इसकी जांच होनी चाहिए। इस सरकार चाहती है कि मिल चले तो मिल चले, सरकार मिल को चलावे बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग मिल को बंद कराने में गलत काम किए हैं, जो धन का दुरुपयोग किए हैं, जो मजदूरों के नाम पर अपनी कमेटी बना करके और अपनी राजनीति की रोटी सेके हैं और तमाम धन का उन्होंने बंदरबाट किया, उसकी जांच होनी चाहिए। तो जी नेक्स्ट नाइन न्यूज के लिए मऊ से सुशील सिंह की रिपोर्ट। आज के पूर्वांचल बुलेटिन में इतना ही, फिर कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब नाउ टू रिसीव न्यू अपडेट्स, रिव्यूज एंड न्यूज़।